ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हिकमत, क्या हो गया? तुम यहाँ क्यों आ गए? जैनब को अचानक पेन होने लगा। पेन? कैसा पेन? क्या हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा? अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। मैं भी जरा जाती हूँ। आ जाओ आराम से। ओ, आप कहाँ चले गए थे डॉक्टर साहब? अभी यहाँ होते हैं और दूसरे ही पल आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, अब तो आ गया हूँ ना। क्या आप हम सबके लिए चाय लाएंगे? प्लीज चलो जरा अंदर चले आराम से। आओ आओ आओ, संभाल कर। तुम्हें सब जख्मी हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं ले आती। इट्स ओके दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, देखो टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम और तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तुम बस रिलैक्स करो। क्या बात है बरिस भाई? आप ऐसा कहो ना कि मुझे सीरियस पेन हो रहा है, प्लीज। क्यों? हिकमत मुझसे दूर होने लगा है, अगर उसे लगेगा कि मैं तकलीफ में हूं तो शायद वो मेरी फिक्र करने लगे। पता नहीं ऐसा हो सकता है। क्या कह रही हो तुम? तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? साफ साफ बताओगी? हमारी शादी एक कॉम्प्रोमाइज है, इसलिए शादी के बाद मैं उससे दूर दूर रहती थी, लेकिन उस दिन जब उस पर हमला हुआ तो मैं डर गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मुझे। प्लीज आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। अच्छा, तो तुम भी उससे प्यार करने लगी हो? हाँ हाँ, अब वो मुझसे दूर जा रहा है। मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मुझे फिर से प्यार करने लगे? मुझे एलिबोल्स की आदत हो गई है और अब मैं भी उनका हिस्सा बन चुकी हूँ। अच्छा, देखो मुझे लगता है जो हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तुम अभी यंग हो, तुम दोनों की उम्र में ये सब होता रहता है। डोंट वरी, कभी कभी हम ही अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाते। हिकमत बहुत जिद्दी लड़का है, मैं उसके दिल तक पहुंचना चाहती हूँ बस। देखो जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो। हिकमत बहुत ही स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग लड़का है। देखो तुम बस अपनी दिल की बात उससे कह दो, तुम जो भी उसके लिए फील करती हो उसे दिल खोल कर बताओ। आई एम श्योर वो तुम्हें जरूर समझेगा। समझ गई तुम? मेरे ख्याल से हिकमत को ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। क्या कहती हो? जैसा आप कहें। मैं जानता हूँ सब अच्छा होगा। चलो तुम अपने आंसू पोंछ लो, मैं हिकमत को अंदर भेजता हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बार मैं फिर से श्योर होना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलो लेट जाओ। दीदी, मैं आपको अपसेट नहीं देख सकता और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। बरिस के बारे में आपको एक बार और सोचना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं अपसेट हूँ। हिकमत, तुम जानते हो ना दैट आई रियली लव बरिस, और जब मैं अपसेट होती हूँ तो रिस्क होता है। दीदी, आप रिस्क की बात तो बिल्कुल मत कीजिए। आप जानती है ना आप कितनी स्ट्रांग है, और आपको स्ट्रांग होने के लिए बरिस की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपने देखा था ना सिसक के केस में क्या हुआ था? सिसक के हस्बैंड ने उसकी जगह मुझे चाकू मार दिया। एसरा के घर में आग लग गई थी जब मैं उस घर में ही था। आप देख रही ना ये सब क्या हो रहा है, और ये सब बरिस के रहते हुआ है। दीदी, आप ये सब इशारे क्यों नहीं समझ रही है? वो जब भी वापस आया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। कैसा इशारा? दीदी, मुझे ऐसा लगने लगा है जो भी लेडीज अपने हस्बैंड से या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए चुना है ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और मुझे आपके केस में भी ऐसा ही लगता है। आपको बरिस से पीछा छुड़ाना होगा। कैसी है वो? हाँ हाँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हिकमत, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो बहुत स्ट्रेस्ड फील करती है आजकल, अपसेट हो गई है वो, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ मैं सब समझ गया बरिस भाई। उस रात जब आपकी ब्यूटीफुल वाइफ हमारे घर आई थी पुलिस लेके, उसी बात से मेरी लवली वाइफ को बहुत टेंशन हो गई होगी। हिकमत बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम आराम से बैठकर सॉर्ट कर सकते हैं ना, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अब बात करने को क्या रह गया है? तुम्हारे बारे में ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? मेरे ख्याल से ये बहुत गुस्से में है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब सॉर्ट आउट कर दूंगा। क्या सॉर्ट करोगे तुम बरिस? तुमने देखा नहीं, वो जिद कर रहा है, वो कभी एग्री नहीं करेगा। प्लीज काम डाउन स्वीटहार्ट, ठीक है?
और सुनो, तुम जाकर अपनी बिजनेस संभालो, मैं हिकमत को संभाल लूंगा, ठीक है? चलो, डोंट वरी, चलो जाओ। अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो हमें हॉस्पिटल क्यों लेके आई? हम यहाँ क्या कर रहे हैं जनाब? मैं और क्या करती हिकमत, तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। जनाब, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम्हारे दिल में सबके लिए बहुत प्यार है। तुम किसी और के बच्चे को अपना रहे हो, कौन रेडी होता है ऐसा करने के लिए? हिकमत प्लीज, मुझे और एक चांस दो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो दरवाजा खुला था तो तुम लोग बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बरेस भाई प्लीज, प्लीज फिलिस दीदी को ये मत बताना कि ये किसी और का बच्चा है। तुम्हें इससे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसे बताना है तो बता दे। तुम फिलिस दीदी के पास जाओ, मुझे हिकमत से कुछ बात करनी है। क्या बात करोगे तुम? यही ना कि मेरी दीदी को सब बता दोगे कि जैनब के पेट में मेरा बच्चा नहीं है? जो बताना है तो बता दो, मैं डरता नहीं। और जैनब की प्रॉब्लम्स को मैं तमाशा नहीं बनाना चाहता, ठीक है? वो तुम दोनों का आपस का मामला है, ठीक है? मैं अपनी लिमिट में रहना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। बरस, अगर तुम सच में मेरी दीदी को चाहते हो ना तो उनसे दूर हो जाओ। तुम सिचुएशन समझ नहीं रहे हो बरस, तुम उनके प्यार में अंधे हो गए हो। पर मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे अपनी अपनी दीदी को और अपने परिवार को बचाना होगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारी बीवी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करे, समझ गए ना? हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया। तुम्हारा दर्द कम हुआ? हाँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे प्यार को डूबने नहीं देंगे हम, बड़े सिकमत से बात कर लेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, और उसके बाद ना हम तुम्हारी शादी करेंगे। फिलिस, हम तुम्हारे वेडिंग ड्रेस यहीं पर सियेंगे। हाँ दीदी, मुझे जाना होगा, एक जरूरी काम आ गया है। तुम्हें चोट लगी है, तुम घर के अलावा कहीं नहीं जा सकते। दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहीं दीदी के साथ रहना, ठीक है? मैं बाद में मिलता हूँ। पर हिकमत, कहाँ जा रहे हो? दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत होइए प्लीज। उसने आपकी बात भी नहीं मानी, ऐसी हालत में कहाँ जा रहा है वो? हेलो एवरीबॉडी, क्या हुआ, क्या कहा उसने, तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, कुछ पेशेंट्स आए हुए हैं, थोड़ी देर में मिलो, कुछ बात करनी है मुझे। ठीक है।